नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के कन्नौज जिले में एक पिता के अरमान उस समय आंसुओं में बह गए जब डोली की जगह उसको बेटी की अर्थी में कंधा देना पड़ा और कुछ ही घंटों में शादी वाले घर में खुशियां काफूर हो गईं। डोली की जगह घर से अर्थी निकलते ही घर में कोहराम मच गया और हर एक की आंखों में बेटी के कुछ घंटों पहले दुल्हन के लिबास की झलक हृदय को झकझोर रही थी। कन्नौज से मोबीन मंसूरी की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। बेटी के पिता हैं आप जी, तो कैसे कैसे क्या योग रहा है? मैं यहाँ से लेकर गया था मेडिकल, कृपा मेडिकल। कृपा मेडिकल तो वहाँ एडमिट किया, क्यों हो सकता है कोरोना हो। अच्छा, अदरवाइज कहीं लेके गए थे क्या जी? और अन्य कहाँ लेके गए थे? कानपुर। अच्छा, वहाँ क्या बताया? वहाँ उन्होंने ऐसे बाहर से चेक करा, बोला इसे सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। बेटी अभी कब से लगभग बीमार थी, कुछ है क्या जानकारी? बेटी हमारी 3-4 महीने से, हाँ 5-6 महीने हो गए। क्या कुछ मतलब बीमारी वगैरह थी, कुछ जानकारी है? जैसे इसका जो है ना हार्ट, हार्ट की प्रॉब्लम थी जी। हाँ, विवाह समारोह बारात आ चुकी थी, लड़की की संगीन परिस्थितियों में मौत हो गई है, बारात वापस हो गई, क्या पूरा मामला है? कानपुर देहात से एक बारात ठठिया थाना क्षेत्र के पट्टी गांव में कल आई थी, लेकिन ये शाम होते होते ही लड़की की किसी कारण बस तबीयत बिगड़ गई थी। उसके परिजन उसको पहले तो प्राइवेट अस्पताल में ले गए, फिर तिरवा ले गए, फिर यहाँ से कानपुर ले गए और फिर वहाँ से वापस तिरवा लाए, तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें किसी ने 100 नंबर से सूचना दी इस घटना के बारे में, तो बॉडी को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। किसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि कई स्थानों पर इलाज हुआ है, तो हो सकता है कि वो कमज़ोर भी है फिजिकली, किसी बीमारी की वजह से हुई हो। और उसी दिन उसकी शादी भी, चूँकि डेट फिक्स थी, तो बारात तो लौट गई है और आज उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारण से बालिका की मृत्यु हुई है।